नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। और ये आज इस चैनल पे कंप्यूटर के 5वां क्लास है जिसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये UPPCL एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, और बेल आइकन्स दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड करें उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज मैं इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है MS ऑफिस की तरह काम करता है, और इसमें जो है शॉर्टकट की जो होता है प्रीव्यू, अगर आपको देखना है प्रिंट प्रीव्यू, तो इसमें आपको Ctrl+Shift+O को प्रेस करना होगा। Ctrl+Shift+O को प्रेस करने के बाद आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, और जिससे आपको पता चल जाएगा हमारा प्रिंट कैसे निकलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे शीट सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? देखिए, अगर आपको आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपने कुछ टाइप कर रखा है और पूरे शीट को सेलेक्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहला तो Ctrl+A प्रेस करेंगे, दूसरा जो है Ctrl+Shift+Space प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी की ओर जाएं और इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए, आप MS Excel का यूज करते हैं, उसमें अगर सेल में आपने कुछ डेटा दे दिया हो, उसको एडिट करके उसको बदलना चाहते हैं, स्पेलिंग करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करें, उस सेल को सेलेक्ट करके F2 बटन जो है प्रेस कर दें, जो वो सेल आपका एडिट हो जाएगा और उसमें जो भी आप करेक्शन करना चाहेंगे उसको कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम आप 400% तक कर सकते हैं। आप 400 से कम 200 भी कर सकते हैं और 300 भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें 500% जूम नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 500% जूम आप नहीं कर सकते, 400 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो आप ध्यान दें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप जो है सेल को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप उसमें Ctrl+1 का बटन प्रेस करते हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है एक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो Ctrl+1 दबा दें, सेल को पहले सेलेक्ट करें फिर आप उसमें Ctrl+1 दबाएं, तो सेल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? ध्यान दें, कॉलम कितने होते हैं? देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा, 1024 कॉलम होते हैं,
जबकि आपका जो है रो जो होता है उसमें आपका कॉलम की संख्या 1024 होगी, तो इसका सही उत्तर जो है 1024 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रेस ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस वर्कशीट कुंजी का प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए, टाइम को अगर इंसर्ट करना है तो आपका एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलम सेमी कॉलम, तो आप इसको जैसे ही करेंगे प्रेस तो आपको टाइम इंसर्ट हो जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, जैसे ही करेंगे आपको टाइम इंसर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है। अगर आपको दो या दो से अधिक सेलों को मर्ज करना है तो उसमें आप किस कमांड का यूज करेंगे। देखिए, सेल मर्ज, मर्ज सेल ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट सेल के अंतर्गत आता है, तो आप वहां से सेल को मर्ज कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आप ध्यान दें, इस चैनल पे आपको कंप्यूटर के UPPCL में पूछे गए प्रश्नों को ही लिया जाता है, तो आप ध्यानपूर्वक इसमें पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न देख सकते हैं और कहां से क्वेश्चन आ रहा है इसको भी समझ सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखने का प्रयास करें। तो चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, ये क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर जो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट जो है वो राइट अलाइनमेंट में होता है, ये ऑप्शन सही है या गलत है आपको बताना है। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर जो होता है वो राइट अलाइनमेंट में होता है और अल्फ़ाबेट जो है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फॉल्स है पूरी तरह से। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से बड़ी वैल्यू हो तो क्या आएगा एरर में, तो एरर में आपको हैज करके दिखाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, अगर सेल आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें कंट्रोल प्लस माइनस का निशान दबा दें तो आपका सेल वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगी, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा रो को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए, पूरा अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस को दबा सकते हैं, तो इस हिसाब से आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। आगे मैं चलता हूँ। हाँ, इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम, शिफ्ट प्लस स्पेस से रो पूरा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। देखिए, लिब्रे ऑफिस में अगर फंक्शन इंसर्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस F2 बटन प्रेस करना होगा, इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। बेल आइकन्स दबाने के बाद ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें, आपका हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। राउंड और टर्न फंक्शन एक समान होते हैं, फॉल्स। राउंड और टर्न फंक्शन एक समान नहीं होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है .ods होता है, तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप फाइल सेव नहीं करते हैं तो आपका फाइल जो है ऑटोमेटिकली अनटिल्टेड वन के रूप में सेव हो जाता है, नाम से सेव हो जाता है, अनटिल्टेड वन के फॉर्म में सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस में कमेंट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, तो आपको कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी बटन प्रेस करना होगा। इसे आप वहां पे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में है कंट्रोल प्लस डी का काम समान होता है, तो इसमें देखिए ये बिल्कुल भी फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कैल्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का काम समान नहीं होता है। कंट्रोल प्लस डी से आपकी प्रेजेंटेशन की कॉपी होती है, ठीक है, जो कि दोनों में अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल केस क्या है? देखिए, साइकिल केस क्या होता है? अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस होता है इसको साइकिल केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप साइकिल केस क्या होता है, एक पूरी तरह से किसी लेटर को आप लिखते हैं तो वो अपर केस में, लोअर केस में और सेंटेंस केस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट 7 और 8 का मान क्या होगा? इसका मान 7 8 56 होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो अगली सीट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब दबाना होगा, तो आप अगली सीट में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं? हाँ, ये ट्रू है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सेल मर्ज करना होगा, ठीक है, तो ये सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस में आप अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाना होगा, जिससे आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? देखिए, इसमें कंट्रोल प्लस ऐप, उस सेल को सेलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस ऐप बटन दबा दें, इससे आपका क्या होगा, सेल पूरी तरह से हाईलाइट हो जाएगा। इसका सही उत्तर कंट्रोल प्लस F8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? किसी सेल का एड्रेस जो है उसके नेम बॉक्स जो होते हैं वहाँ दिखाई देता है, तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी होगा, नेम बॉक्स में आपका किसी सेल का सेल एड्रेस दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये 25 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। अगर आपको ये यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। और मैं आपको पूरे जो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो UPPCL में पूछे गए हैं, उसका सारा का सारा वीडियो मैं आपको लेकर के आने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।